السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمه وهَيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد

संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 134 होगा इन शह आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस मेरे पास पर्चियों की शक्ल में एक पूरा थद्दा आ चुका है इन कोशिश करेंगे कि इसे भी मुकम्मल तौर पर कवर करें बाद में लेकिन पहले एक क्रिटिकल इशू चूंकि आज सात शाबानुल चौदह सौ पैंतालीस हिजरी है अगली इतवार को चौदाह तारीख होगी शाबान की और शाबान की जो चौदह और पंद्रह की दरमिया रात है हमारे सब कॉन्टिनेंट में बिलखसूस और बाकी मुस्लिम दुनिया में बिलूम शब बारत के नाम से मशहूर है मैं चाह रहा हूँ इसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँ ताकि अगली संडे से पहले हमारी ये वीडियो मुकम्मल रेफरेंसेस लाके के अपलोड हो जाए इनशा तला आज 18 फरवरी 2024 है ऑलमोस्ट आज से 27 28 साल पहले की बात है मुझे आज बाई चांस याद आ गया 1997 में जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पढ़ता था तो हम लोग चूंकि उस वक्त ग्रीन पगड़ी बांधा करते थे दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे तो शब बारात आई तो मैंने शब बारात के फजाइल के ऊपर एक बयान दिया था हमारा इजतमा होता था मग़रिब से इशा के दरम्यान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की जो प्रेयर हाल है मस्जिद तो नहीं वो प्रेयर हाल ही उसे कहा जाता था तो एक वो वक्त था एक आज का वक्त है जमीन ऐसमान का फर्क है वो इलायास कादरी साहब ने एक पूरा किताबचा लिखा हुआ था शाबान से मुतालिक कुछ बातें उसमें ठीक भी थी लेकिन जो शब बारात के हवाले से जो एग्जेजरेशन सूफिया की इबादत और पता नहीं कौन कौन से नवाफिल इतने लंबे चौड़े तो वो सारे हम पढ़ पढ़ के बयान किया करते थे इलियास कादरी साहब इस हवाले से तो मैं समझता हूं बरेलवी मकतब के लिए नहमत है उन्होंने इस फिक्र को सिर्फ रसूमा से हटाकर प्रैक्टिकल दीन की तरफ लाने में अपनी एफर्ट पुट की है वरना बरेलवी मकतब में नमाज पढ़ना दाढ़ी रखना पगड़ी बांधना ये सिर्फ उलमा का काम होता था अवामनास तो सिर्फ मिलाद के जुलूसों में शामिल होती थी जिस तरह की बेअमली आपको एहल तशयो मकतब में नजर आती है चंद रसू का नाम उन्होंने दीन रख लिया तो ब्रिल्वी फिरके का भी यही हाल था इलियास कादरी साहब ने उनसे जो हमारे अक़ायद में इख्तलाफ़ात हैं वो अपनी जगह लेकिन बहुत बड़ी एफर्ट पुट की है और एक और चीज़ जो बड़ी हैरान कौन है आप लोगों के लिए कि उस वक्त भी जब हम शब बारत के हवाले से बयान दिया करते थे या लेक्चर्स देते थे दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से तो उसमें जो शब बारत के मौका के ऊपर ये पटाखे छोड़े जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की आतिशबाजी के इवेंट परफॉर्म होते हैं, इन्हें कंडेम करते थे अब तो ये आलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं हिंदुओं के साथ रह रहकर कर होली और दिवाली की रसूमात के जेर असर मुसलमानों ने भी इस रात के अंदर आतिशबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया था आजकल की यंग जनरेशन को इसका आइडिया नहीं है कि कितनी ज्यादा आतिशबाजी हुआ करती थी पिछली सदी के एंड में इस सदी के स्टार्ट के अंदर यह आस्था आहिस्ता दावत इस्लामी के जेर असर ज्यादा है जब बरेलवी मकतब के बड़े लोग जिन्होंने शब बरात की रसूमात को गोद लिया हुआ था वो खुद ही लाने बरात कर दें तो फिर इशू एड्रेस हो जाता है एक नेचुरल चीज है तो इलियास कादरी साहब को यह मैं क्रेडिट दूंगा अगर किसी एक बंदे को क्रेडिट जाता है ना तो बरेलवियों में वो इलियास कादरी साहब हैं कि उनकी एफर्ट की वजह से उस जमाने में भी हम लोग जब दरसो बयान का सिलसिला करते थे तो बकायदा आतिशबाजी को कंडेम करते थे और फिर दाऊत इस्लामी चूंकि एक तबलीगी जमात बरेलवियों की उनके जेर असर फिर ये इतनी बात फैली कि अब उसकी बाकियात सिर्फ इतनी है कि मसाजिद के अंदर आपको लाइटिंग नजर आएगी सिंपल सी बस ये शब बरात रह गई है या लोग रात का क्याम कर लेते हैं सुबह के वक्त शहरी का बंदोबस्त होता है बाकी वो जो खुराफात थी ना स्पेसिफिकली ये आतिशबाजी वाली वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह उसके पीछे हमारी इकॉनमी भी है अब लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं कि इन कामों में सर्फ करें यह भी एक रीज़न है और एक तीसरी रीज़न भी है कि इस किस्म के जो आतिशबाजी के सामान रखने वाली दुकानें थी उनमें कई दफा आग लगी उसकी वजह से काफी घर डैमेज हुए जाहिर है वो बारूद ही रखा हुआ था इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स भी गिरी तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सख्ती करना शुरू की आहिस्ता आहिस्ता ये मामला अब शादी ब्याह के मौके के ऊपर जो आपको ये चंद एक आतिशबाजी के नमूने नजर आते हैं या न्यू ईयर के स्टार्ट के ऊपर बस यही रह गए वरना सबसे ज्यादा अगर आतिशबाजी होती थी ना मैं नाइन्टीज की बात कर रहा हूं जब हम लोग यंग एज में थे खैर अभी भी हम जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त इतनी ज्यादा ये होती थी और खुद हम हम भी उसमें शामिल थे अनार छोड़ना इस तरह वो एक डजी बनाई हुई होती थी उसमें वो फर्स थोड़ा डाल के धड़ल करके मारते थे और यानी मगरब के बाद से ये तूफान बदतमीजी शुरू हो जाता था खैर फिर जब दावत इस्लामी के साथ अटैचमेंट हो गई फिर आस्ता आस्ता इन चीजों से तोबा की और इसे कंडेम करना शुरू किया अब बहरल ये काफी हद तक इशू एड्रेस हो चुका है अब सिर्फ वो रसूमत जो दीन के नाम के ऊपर इसमें जारी हैं उनके बारे में मेरा मौकफ जरा ढीला है मैं इतना सख्त नहीं हूं उसकी वजह यह है कि काफी कमजोर रवायतें हैं जो इसको सपोर्टिव हैं। मैं इस मामले में उतनी सख्ती नहीं लेता जितनी बाकी लोग लेते हैं सूफिया ने शब बारात के नाम के ऊपर जो अजीब व गरीब किस्म की इबादत और लंबे चौड़े नवाफिल बताए उनकी तो कोई असल नहीं है जो थोड़ा बहुत मिलता है वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको अहले सुन्नत के यहाँ तो ये शब बरात मनाई जाती है छुटकारे की रात बारात अरबी जुबान में कहते हैं छुटकारे की रात चौदह और पंद्रह शाबान की दरमियानी रात और पंद्रह शाबान का रोज़ा रखा जाता है एहले तशयो के यहाँ भी आपको इस रात देखें खड़कती हुई सुनाई देंगी वैसे तो आप एहले तशयो की मसाजिद के बाहर से गुजरें तो तकरीबन हर हफ्ते कोई ना कोई देख खड़क रही होती है कोई ना कोई एक्टिविटी कभी किसी इमाम की विलादत का दिन आ जाता है कभी किसी इमाम की शहादत का दिन आ जाता है वो बस शतान के हथे चढ़ चुके हैं उन्होंने इस किस्म की रसूमात को दीन का नाम दे दिया है ना कोई नमाज के साथ लेना देना ना कोई रोजों के साथ लेना देना बस मुहर्रम के मौके के ऊपर चंद एक, एक एक्टिविटीज उनमें से भी अक्सर बिदा आती हैं जो दीन में दाखिल कर दी हैं दीन के नाम के ऊपर और बाकी पूरा साल ये जो मुख्तलिफ उनकी तारीखें चलती रहती हैं तो एम उस रात में भी वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं उसे वो शाबानिया का नाम देते हैं आम लोगों को तो जहरा नहीं पता एहले सुनत को भी नहीं पता कि वो शब बारात नहीं मना रहे होते उस रात इमाम मोहम्मद महदी हसन अल अस्करी जो हमारे नजदीक इमाम महदी कुर्बे क्यामत में आएंगे उनके नजदीक पैदा होकर वो ग़याबत में जा चुके हैं उनकी विलादत की रात है वो चौदह और पंद्रह की दरमियानी रात शाबान की तो वो उनकी विलादत की रात के तौर पर वो लाइटिंग और वो देगे और वो बाकी सारे मामलात कर रहे होते हैं अहल तशैयो भी इस रात को एक्टिविटी के तौर पे नहीं मानते अहल तशैय का भी जो शब बरात या कद्र के हवाले से मौकफ़ है वो वही है जो अहल इल्म अहल सुन्नत का है कि वो रमज़ान मुबारक में वो रात आती है मैं इनशाला उसके ऊपर डिस्कशन भी कर दूंगा लेकिन ये मैंने तमहिदन आपको बताया कि ये माशरे के अंदर क्या चल रहा है अगर आप इन सूफिया के ग्रोह से जिनमें अक्सरियत बरेलियों की है देवबंद भी किसी हद तक इसके कायल हैं सवाए उन चंद देवबंदीमा के, के जो अहल हदीस मकतब के जेर असर आ गए तो वो इन चीजों का इनकार कर रहे हैं ओवरऑल देवबंदी मकतब भी जाहिर है वही सूफीजम की लेगेसी को लेके चल रहे हैं उनके नजदीक ये जो रात है शब बारात ये शाबानुल मजम की चौदह और पंद्रह की दरमियानी रात है यानी पंद्रहवीं रात चूंकि इस्लामिक कैलेंडर में रात पहले आती है दिन बाद में तो उनके नजदीक ये रात वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान हकीम को लोय महफूज से उतारा आसमान दुनिया के ऊपर और फिर ग्रेजुअली तेईस साल के अंदर कुरान हकीम आसमान दुनिया से नीचे नाजिल हुआ अब उनसे पूछे ये कहां लिखा हुआ तो उनके पास दलील कोई नहीं है और वो जबरदस्ती इस कॉन्सेप्ट में वजन भरने के लिए कुरान हकीम में सूर अदुखान सूरत नंबर फोर्टी फोर पारा नंबर पच्चीस उसकी इब्तदाई जो आयात है उनका सहारा लेते हैं वो कहते हैं कुरान में इस रात का जिक्र मौजूद है आउदबिल्लामिन शरिम बसमीम हामफ मुक़ है वल किताबिलमुबी कसम है रोशन किताब की इससे मुराद कुरान हकीम भी हो सकता है और लोहे महफूज भी इन्ना इम्लाई लति मुबारक बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया एक बाबरकत रात में इन्ना कुन्ना मुनगरीन बेशक हम डर सुनाने वाले हैं यानी आखरत का डर सुनाने वाले हैं इस किताब के जरिए हमने आखरत की जवाबदेही की आगाही करवाई इंसानियत को अपने महबूब सल्लल्लाहु सल्हुसम के जरिए फी यु अमरिन हकीम और इस मुबारक रात में हर अहम काम बांट दिया जाता है यानी फरिश्तों में काम सौंप दिए जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से पूरे साल का एक शेड्यूल दे दिया जाता है अमर दीना और ये सारे काम हमारी तरफ से उनके सपोर्ट किए जाते हैं इन्ना कुन्ना मुर्सरीन और बेशक हम ही फरिश्ते भेजते हैं रब्बिक ये रहमत है तेरे रब की बेशक वो सुनने वाला है इल्म वाला है तो ये जो छह आयात है वो कहते हैं इन छह आयात के अंदर जो बाबरकत रात रिपोर्ट हुई है वो शब बरात यानी शाबान की पंद्रवी रात है और कहते हैं देखें इसमें वाजे है कि इस रात में हर अहम काम फरिश्तों के सपुर्द अल्लाह ताला कर देता है जो आपने सुना है कि जी वह पूरे साल में जिन लोगों ने मरना होता है उनके नाम बता दिए जाते हैं किसी तरीके से किसको कितना रिस्क मिलना है वो बता दिया जाता है हर तरह के इंपॉर्टेंट काम सपर्द कर दिए जाते हैं हालांकि कुरान अगर ये कह रहे हैं ना कि हमने इस कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया तो फिर सबसे पहले तो कुरान से ही पूछना चाहिए कि वो बाबरकत रात किस महीने में आती है वो कौन सी रात है और अगर कुरान में ना मिले तो फिर सही उलस्नाद अदीस में लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सही उलस्नाद अदीस तक जाने की नौबत ही नहीं आती कुरान हकीम ने खुद बता दिया है कि कुरान कब नाजिल हुआ वह बकरा में मशहूर आयत रमजान शाहरुराफी कुरान रमजान का महीना है वो जिसमें कुरान नाजिल हुआ हदल नास पूरी इंसानियत के लिए यह हदायत है कहते हैं सिर्फ नेक लोगों को हदायत मिलती है नहीं कुरान कह रहा है पूरी इंसानियत के लिए और वो जो बकरा के स्टार्ट में है हुमतकीन उससे भी मुराद है पूरी इंसानियत और पूरी इंसानियत में वो लोग जो डर जाए इस तस्वूर से कि जिस रब ने हमें हमारी मर्जी के बगैर पैदा किया वो क्यामत वाले दिन हमें पूछेगा मुत्तकी से मुराद ये नहीं है कि कोई सिर्फ परहेजगार लोग मुराद है। डर जाने वाले लोग हदल पूरी इंसानियत के लिए है ये हदायत मिनल हुदा वल फुरुर्कान और इसमें हदायत के रोशन दलाइल है और ये अलफुरान है यानी हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब और ये अल-फुरकान की सिफ्त सही बुखारी में हमारे महबूब इमाम कायनात सईदली आखिरीन शफी मुजनिबीन रहमत आलमीन सईद व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूल सल वसलम के लिए भी रिपोर्ट हुई सही बुखारी में हदीस है मोहम्मद उन फर्क उन बेन महम्मद लोगों में हक और बातिल में फर्क है कुरान भी अलफुर्कान है इस्लाम भी अफुर्क़ान है बहरल इस आयत से आपको यह पता चल गया कि रमजान मुबारक वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ लिहाजा अब इसको सूर्य अद्दुखान की इब्तदाई छह आयात के साथ जोड़ लें जिसमें अल्लाह फरमाया था हामीम वल किताब मुबीन इन्ना फी लई मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंगदेरीन हमने इसे बाबरकत रात में नाजिल किया और हम डर सुनाने वाले हैं तो वो बाबरकत रात रमजान मुबारक के अंदर है ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है किसी सहाबी का फतवा नहीं है ये अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कुरान के अंदर लिहाजा अब वो कहानी तो ख़त्म हो गई कि कुरान हकीम जो है वो शाबान के अंदर नाजिल हुआ है अब चूंकि इन्हें पता था कि कुरान इसके खिलाफ है इन्होंने नई कहानी एक घड़ी जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका कि नहीं जी कुरान दो दफ़ा नाजिल हुआ है एक दफा लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे वो हुआ था शब बारात शाबान की पंद्रवी रात और दूसरी दफा जो नाजिल हुआ आसमान दुनिया से जमीन पर वो कहते हैं वो रमजान में हुआ हम कहते हैं लिखा किधर हुआ कहते हैं बुजुर्गों ने बताया ये तो इतना बड़ा ट्रूथ था कि कुरान में आना चाहिए था कि शाबान का महीना है वो जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर और रमजान का महीना है वो जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया आसमान दुनिया से मोहम्मद रसूल सल्लाम के कलब अतर के ऊपर लेकिन कुरान सुनत बिल्कुल खाली है इससे फिर स्पेसिफिकली ये जो रात है इसकी शान में अल्लाह तला ने पूरी सूरत नाजिल कर दी है ये कोई छोटी बात नहीं है एक रात के बारे में पूरी सूरत कुरान में नाजिल हुई है और वो है सूरतुल कद्र कद्र अरबी जुबान में कहते ही तकदीर को है डेस्टनी की रात जिसमें तकदीर के फैसले होते हैं एक तो सबसे बड़ा फैसला हुआ यानी कुरान नाजिल हुआ अल्लाह ताला कि इस कायनात के लिए जो बड़े बड़े फैसले हैं उनमें से अगर कोई टॉप ऑफ लिस्ट फैसला हो सकता है वो कुरान का नजूल है इंसानियत के साथ आखिरी दफा अल्लाह तला ने अपने पैगंबर सल्लाम के जरिए कलाम फरमाया तो उस सूरत का नाम ही सूरत-ul-कदर है यानी तकदीर वाली सूरत जिसमें डेस्टनी तकदीर के फैसले होते हैं इज्जत वाली रात यह भी तर्जुमा किया जा सकता है ये सूरत नंबर है नाइन्टी सेवन इन्नाफी कद्र बेशक हमने हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया एक इज्जत वाली रात में ऐसी रात जिसमें अल्लाह की तकदीर के फैसले होते हैं वही बात जो सूर अदुखान में आ चुकी फी हा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम ये कुरान उस रात में नाजिल हुआ है जिसमें हर अहम काम बांट दिया जाता है यहां पे भी आ गया कि ये डेस्टनी तकदीर की रात है जिसमें तकदीर के फैसले होते हैं अल्लाह के इल्म में तो पहले से फरिश्तों के सबूर्द होते हैं वमा अदरा कमा लई कद्र और तुम क्या जानो के लिए कद्र की क्या शान है लई लतुल्कद्री खरुम अलफी शहर ये तो वो रात है ललतुल क़द्र जो हजार महीनों से अफजल है यानी इस रात में इबादत करना एक हजार महीनों ऑलमोस्ट नब्बे साल के करीब बनता है ये अरसा उससे अफजल है तनजल उलमलाफी मिन कुल्ली अमरिन इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूह उदस यानी जबरइल सलाम भी इस रात में नाजिल होते हैं अपने रब की इजाजत से हर तरह का काम लेकर जो अल्लाह ताला उनके स्पुरद करता है सलाम ये रात सलामती की है ही मकला फजर और ये सलामती रहती है यहां तक के फजर दलू हो जाए यानी खत्म शहरी जहाँ हो जाती है और फजर का वक्त स्टार्ट होता है उस वक्त तक ये पूरी की पूरी रात अल्लाह ताला के फैसले की एक अहम तरीन रात है और रात की डेफिनेशन इस्लाम में है गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर का वक्त दाखिल होने तक ये पूरी रात तो ये पूरी की पूरी रात अल्लाह ताला के फैसलों की रात है जिसमें फरिश्ते नाजिल होते हर अहम काम लेकर ये जो फजीलत है लहरातुल कद्र की ये उस रात के बारे में है जो रमजान मुबारक में है कुरान में तो बस इतना ही आया कि ये रमजान में है शाहरुर लेकिन फिर नबीस्लाम ने इसे ब्रीफ किया सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब साल वसलम ने रमजान मुबारक के पहले दस दिन इतिकाफ किया और तो फिर अपने हुजरे मुबारक से सर अकदस को बाहर निकाला और फरमाया कि मैंने इन दस दिनों में लैलतुल कद्र को नहीं पाया फिर अगले दस दिन एतकाफ़ किया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा शरीफ से बाहर निकले और फरमाया कि मैंने इन दस दिनों में भी लैलतुल कद्र को नहीं पाया और फिर आप फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया कि ये रमजान मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी जो दस दिन है उनकी ताक रातों में से कोई रात है इक्कीसवीं भी हो सकती है तेईसवीं भी पच्चीसवीं भी सत्ताईसवीं भी और उनतीसवीं भी यानी ये आखिरी जो पांच ताक रातें हैं उनमें से कोई एक रात है नबीलाम को वही के जरिए बताया गया तो तुम इसे रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो तलाश करना मतलब ये नहीं कि कुछ आपको नजर आना है ये पब्लिक में मशहूर किया हुआ है जी समुंदर का पानी शहर से ज्यादा मीठा हो जाता है और खुदा का सुन लिया ना पहले थोड़ी मट्टी पलीद हुई हुई है अच्छा इन्हीं बातों की वजह से आजकल के जो मॉडर्न मुसलमान है या इवन नॉन मुस्लिम जो है वो हमारी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं कि यार कोई लॉजिकल बंदा है जिसने कोई सेंस के साथ बात की है लेकिन हमारे मुसलमानों में घुसे हुए लोग इसको गलत रंग देते हैं कि जी इंजीनियर साहब उनके अलाकार हैं कभी कहते हैं ये कोई ये यहूदों ने सारा का एजेंट है भाई तो ये लॉजिकल गुफ्तु हो रही है इससे ज्यादा सख्त अल्फाज में अहल हदीस मकतब के लोग करते थे लेकिन उनके फिरके से इनको नुकसान नहीं हुआ नुकसान तो हुआ है हमारी दावत हक से जो नबीस्म की मुबारक दावत हक है इसलिए इन्हें तकलीफ हो रही है हमारा तो एक नारा इनको ले डूबा कौन सा मेरे सा। है ही कोई नहीं तेरे बाबे थे शाय ही कोई नहीं तो इसकी वजह से फिर वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालते हैं तो शुक्र करें कि गौरों को उर्दू नहीं आती और आपको अंग्रेजी नहीं आती आ, उन्होंने समुद्र के किनारे खड़े हो जाना है और उन्होंने आपको पांच रातों का डाटा नहीं देना रमजान की तीस की तीस रातों का डाटा देना है जी ये जनाब हमने ये सैंपल ले रहे हैं तो बताएं इसमें कौन सा शायद से ज्यादा मीठा है जी दृख्त सारे सजदे में गिर पड़ते हैं उन्होंने कहना नहीं ले जी हमने सीसीटीवी टीवी कैमरे लगाए हुए हैं इंसान को तो नींद भी आ जाती है ऊंघ भी आ जाती है कुत्ता भी रात को सो सकता है सीसीटीवी कैमरा तो नहीं सोता तो कह दसो क्यों है तो ये कहानियां सुनानी बंद करे इवन नबीलाम के जमाने में भी जब शब कदर आई है ना साबा को नहीं पता चला आपको ख्वाब दिखाई गई थी और है नबी का ख्वाब वही इलाही होता है आपने फरमाया कि वो रात ऐसी रात होगी कि जिस सुबह मैं फजर की नमाज पढ़ूंगा तो मेरे माथे पर कीचड़ का निशान होगा सब कहते हैं वो इक्कीसवीं रात जब फजर के वक्त इस्लाम ने नमाज पढ़ाई तो उस रात काफी बारिश हुई थी मस्जिद नबी का छत टपक रहा था और चूंकि आप नेकेड जमीन के ऊपर ही नमाज पढ़ा करते थे तो जब आप नमाज के बाद हमारी तरफ मुतव हुए तो हमने कीचड़ का निशान आपके माथे पर देखा तो हमने कहा अच्छा ये रात थी यार अगर साहबा का ये स्टेटस है कि उन्हें सुबह पता चलता है तो ये जो कहानियां करवाते हैं कि जी वो रात को हमें पता चल जाएगा ये निशानी जाहिर होगी कोई निशानी नहीं जाहिर होगी भाई और ये फिक्स भी नहीं है ये भी जेहन में रखिएगा नबी नबीस्म के मुबारक जमाने में 21वीं रात आई ये 23वीं भी हो सकती है एहले तश्यो तो ज्यादा जोर देते हैं तेईसवीं के ऊपर लेकिन वो भी मानते हैं कि इक्कीसवीं भी हो सकती है कुछ साहब कराम सही मुस्लिम में आते हैं वो सत्ताईसवीं को मानते थे तो ये वेरी करती है ये अल्लाह ताला ने बेसिकली शब कदर की एक सेलिब्रेशन रखी हुई है किसी साल वो इक्कीसवीं को सेलिब्रेट करता है अल्लाह तसी साल तेईसवीं को किसी साल पच्चीसवीं को किसी साल सत्ताईसवीं को मकसद यह है कि वह दस दिन आप अल्लाह को दें वो ताक रातें दें जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि जब आखिरी अशरा शुरू होता था नबील इस्लाम खुद भी रात को जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे कि वो रात को इबादत करें उन रातों को जिंदा करना मकसद है और वो बुखारी मुस्लिम में अदीस है इस्लाम ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब के साथ शब कदर का क्याम किया अल्लाह तला उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा हाँ तो वो फजीलत बेसिकली हासिल करनी है आपने क्याम करके शब कदर अगर आपको मिल गई यानी वो अल्लाह के लिए कौन सी है तो यकीन अगर आप आखिरी ताक रातों में क्याम करते हैं आपको मिल गई कोई निशानी नहीं जाहिर होनी और यहां तो चांद का भी झगड़ा रहता है बेहतर यह कि आप आखिरी दस के दस दिन ही करें बल्कि पूरा रमजान एहतमाम करें कि रात का क्याम करें और वह भी बुखारी मुस्लिम में उसी हदीस में ही आता है कि जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमजान का क्याम किया उसके भी पिछले सारे गुना माफ और जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमजान के रोजे रखे उसके भी पिछले सारे गुना माफ ये तीनों बातें शब कदर क्यामईल और रमजान के बारे में एक ही हदीस में और फिर ये जो फजीलत पूरी रात की अल्लाह ताला की तरफ से इस लीलतुल कदर में रोजाना भी किसी ना किसी दर्जे में फजीरत मौजूद है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह रोजाना आखिरी तिहाई रात जब रह जाती है ना यानी रात स्टार्ट होती है ग्रूब आफ्ताब से लेकर फजर का वक्त शुरू होने तक ये अगर छह घंटे बनते हैं ना तो इसको आप तीन पे डिवाइड करें तो आखिरी दो घंटे है ना एक तिहाई रात आखिरी जो रह जाती है उसमें अल्लाह तला आसमान दुनिया पर रोजाना नजूल फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है और कहता है कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं है कोई मुझसे सवाल करने वाला मैं उसे अता करूं और अल्लाह ताला की तरफ से ये मुसलसल निदा आती है यहां तक के फजर का वक्त दाखिल हो जाए ये रोजाना के लिए अच्छा इसमें बाद लोग पूछते हैं कि जी वो रात की टाइमिंग तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ है इस तरीके से शब कदर भी भाई आप अपने इलाके को फॉलो करेंगे ये सारी चीजें सिम्बोलिक हैं ये फिजिकल चीजें नहीं है ये जहन में रखिएगा लिहाजा ये कहना कि जी आखिरी तिहाई रात पाकिस्तान में तो इस वक्त होती है तो दो घंटे का फर्क तो सऊदीया के साथ है क्योंकि हम जीएमटी प्लस फाइव में हैं और वो जी एम टी प्लस थ्री के अंदर है और फिर ताक और जुफ्त का भी फर्क आ जाता है अगर आप कद्र की बात करें इन चक्रों में आपने नहीं पढ़ना इनका कोई लेना देना नहीं इसके साथ क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला के डिवाइन प्लान का हिस्सा है इसका फिजिकल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है सवाए इसके कि हमने रिस्पॉन्स करना है बाकी अल्लाह तला आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है इसकी कोई तमसील बयान कर सकता है मुझे बताए लई सक मिसल ही शई वसी बसीर, अल्लाह के मिसल कोई शाय नहीं है और वह सुनने वाला देखने वाला है। इसकी मिसाल तो कोई नहीं बयान कर सकता इसके जो असल माने हैं वो अल्लाह के इल्म है हमारे लिए है कि वो दुआओं की कबूलियत का वक्त है दैट्स ऑल बाकी हमने तो इसके भी शार्ट कट रखे में सही मुस्लिम में हदीस है सईदानस्मान रदी अल्लाह तलाम ने रवायत की है वो कहते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्म ने फरमाया जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ी उसे अल्लाह ताला आधी रात का क्याम करने का सवाब दे देगा और फिर अगर उसने सुबह फजर भी जमात से पढ़ ली तो पूरी रात के क्याम का सवाब यानी अगर आप रमजान मुबारक में इशा और फजर जमात से पढ़ लें इस हाल में कि आपकी कोई रकत फोत नहीं होनी चाहिए यह जहन में रखिएगा जमात से मुराद नहीं कहता या तो जाके मिल जाओ एंड देना रकत नहीं फोत होनी चाहिए शरीय में जमात मिलना है रकत फोत ना हो और रमजान में यार कोई मुश्किल काम नहीं है फजर ज्यादा मुश्किल होती है वो तो सारी के वक्त वैसे ही लोग उठे हुए होते हैं एक मस्जिद से जमात रह जाए दूसरी में चले जाए आपस में भी टाइमिंग का फर्क होता है तो ये शॉर्टकट है सही मुस्लिम में कि जो रात को इशा और सुबह फजर पढ़ ले जमात के साथ पूरी रात के क्याम का उसे सवाब मिल जाएगा शार्टकट्स जो हैं वो हमारे जैसे जो कमजोर लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है और ये शार्ट कट्स स्पेशली अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि सलम के जरिए हमें इसलिए दिए कि कोई बहाना बाकी ना रहे इसी तरह का एक शार्ट सही मुस्लिम में रिपोर्ट हुआ है नबील इस्लाम फजर की नमाज से पहले घर से निकले और फिर नमाज पढ़ के इशराक तक बैठ के नवाफिल पढ़ के काफी देर बाद जब घर आए तो आपने देखा कि आपकी बीवी सैदा जवेरिया सलाम्हीलै वो मुसल्ले पे ही बैठी हुई हैं सलाम ने फरमाया तुम सुबह से बैठी हुई हो यानी कम से कम तीन घंटे तो हो गए थे उनको बैठे हुए और मैंने घर आने के बाद चार कलिमात सिर्फ तीन दफा पढ़े और मुझे तुमसे ज्यादा जवाब मिल गया सुबहानबी हमदी आदाद खलकी वर व नफसी व जीनत आर्शी व मे दाद कलिमाती ये चार कलेम सुबहानल्लामदी तो कॉमन है ना आदाद खलकी वर व नफसी व जीनत आर्शी व मे दाद इनको आपने तीन दफा पढ़ना है वो हमने सुबह शाम के इस गार में भी ये जिक्र डाला हुआ है तो मुझे इससे ज्यादा सवाल मिल गया है जो तुम्हें मिला अब इसकी कदर जो मुझे है ना वो शायद आप में से बहुत कम लोगों को हो मेरे लिए तो सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से मस्जिद में इराग तक बैठना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो चुका है हालांकि ये सुन्नत भी है सही मुस्लिम में आता है कि नबील इस्लाम तो फजर से लेकर सूरज बुलंद होने तक मस्जिद में बैठे रहते और उस दौरान साव इक्राम कहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे को अपने जमाने जहलीयत के वाकत सुनाया करते थे और उसमें अल्फाज हैं कि मजलिस करते थे नबीस्म ये मजलिस का वर्ड उसमें मौजूद है उसी वजह से हमने मजालिस का नाम रखा और फिर हम जमाने जहलीयत के जब वाकयात सुनाते और उसमें हम अपनी उन हरकतों का जिक्र करते हैं तो खुद अपने ऊपर हंसा करते थे कि यार हम किस किस्म के थे कभी कहीं नजराना चढ़ा रहे हैं बुतों के ऊपर जाके अपने हाथों के तराशे हुए बुत यानी वही रेप्लिका यहां पे भी आपको नजर आता है तो नबी नबीस्लाम भी हमारे साथ मुस्कुराते थे जब हम आपस में मुस्कुराते थे ना कि यार हम कितने जाहिल लोग थे तो नबील इस्लाम भी माजूज होते थे उस मजलिस में बैठ के तो ये फजर से लेकर इशराक तक मस्जिद में बैठना ये बहुत बड़ी नेमत है लेकिन इसके एक एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया कि नबील इस्लाम ने फरमाया कि ये चार कलित पढ़ लो तीन दफा सुबहान बिहमदी आजाद ही वही वनत आर्शी ही वादा कलिमाती तो तुम्हें उससे बढ़कर सवाब मिल जाएगा एक और शॉर्टकट सही मुस्लिम में और ये हदीस सिर्फ मुस्लिम में नहीं है ये तिरमजी में अब दाऊद में सुनसाई में इब्ने माजा में यानी जो अल सुनत की मेन स्ट्रीम की छह किताबें हैं बुखारी को छोड़ के बाकी पांच किताबों में ये हदीस मौजूद है और मिशकात में तो जाहिर है मौजूद है कि जो शख्स रमजान मुबारक के रोजे रखे उसके बाद शवाल के महीने में छह रोजे रख ले उसे पूरी जिंदगी के रोजे रखने का सवाब मिलेगा अगर उसकी ये रूटीन रही पूरे साल के रोजे का छह रोजे सिर्फ और वो आपने पूरे महीने में किसी भी वक्त रखना है यह जो पब्लिक में मशहूर है नहीं जी एक फौरन बाद रख लेना चाहिए बाकी बेशक बाद में जिस तरीके से मर्जी जब मर्जी रखे इस महीने के अंदर आपने छ रोजे पूरे करने बेहतर तो वैसे यह है कि आप साथ ही रख लें ईद के फौरन बाद क्योंकि रूटीन बनी होती है और वो रखने आसान हो जाते हैं बाद में जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाए ना एक डेढ़ हफ्ता फिर मुश्किल हो जाते हैं तो ये शवाल के छह रोजे एक शार्ट कट है पूरे साल के रोजों का स्वब इस तरह के शॉर्ट कट्स जो है इनसे नफा उठाना चाहिए और यह शार्ट कट्स अदीस में इसलिए रिपोर्ट हुए कि हर शख्स को अल्लाह तला ने एक जैसे हलात वाक्यात नहीं देने सरकमस्टांसिस डिफरेंट हो सकते हैं किसी बंदे के तो वो शख्स भी महरूम ना रह जाए अमाल तो मौजूद है देखें लोग कहते हैं कि ज्यादा इल्म हासिल करेंगे तो मुश्किल में पढ़ जाएंगे ज्यादा इल्म हासिल करें तो आपको दीन में आसानी पता चल जाएगी मुश्किल में कहां से पढ़ेंगे तो यह कितनी बड़ी आसानी है कि आप इतना बड़ी फजीलत वाला काम मुख्तसर से अमल से कर लें और आपको भी उतना ही सवाब मिल जाए इसी तरीके से सही मुस्लिम अदीस है तुम में से किसी के अंदर ये इस्तात है कि वो तिहाई कुरान पढ़ ले रात में साहब ने कहा कि इसकी कौन कुदरत रखेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लास ने फरमाया कि सूर्य अखलास पढ़ लो तिहाई कुरान के बराबर है यानी इसका स्वब हू अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलितम यूलमकुल्लहु कफुवन अहद एक तिहाई कुरान के बराबर एक दफा ये सूरत पढ़ने का स्वाब है और देखे साहबा कह रहे हैं कि यह किस में कुदरत हो सकती है कि रात में तिहाई कुरान पढ़े यह आपको कहते हैं हमारे बुजुर्ग आठ कुरान रोजाना पढ़ते थे साहबा एक तो एक कुरान से भी आजिज हैं तो ये यानी बाबों का दीन है और ये किताबों का दीन है बाकी जो शबे बरात के हवाले से एक मशहूर तरीन हदीस पेश की जाती है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं वो जाम तिरमजी में है सोन निबन माजा में है मिशकात के अंदर भी मौजूद है और ये हदीस सबसे मशहूर तरीन हदीस है जिसको सारे लोग कोर्ट कर रहे होते हैं हाँ वो डॉक्टर तैलकादरी साहब हो खा मौलता तार जमीर साहब हों बा जानी लिया कादरी साहब हों सब इस हदीस को वो कहते हैं जी देखें जामिया तिरमजी में ये हदीस आई हुई है सुनने सुनबिन माजा में आई हुई है कि नबीलाम एक रात बकी हरकत कब्रस्तान में चले गए और सईद आयशा आपके पीछे चली गई कि आप्लाम अचानक उठ के कहाँ चले गए तो नबी इस्ताम ने फरमाया कि आयशा तुमने गुमान किया कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ कोई खयानत करेंगे यानी मैं किसी और बीवी के पास नहीं गया मैं तो इस रात बकी गरकत कब्रस्तान आया हूँ और ये आज चौदह और पंद्रह की जो दरमिया रात है शाहबान मज़्म की ये ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला बनी कल्ब जो एक कबीला था अरब का बहुत बड़ा उसकी बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मफरत करता है तो मैं अहल बकी के लिए दुआ करने आया अच्छा ये हदीस वो बयान करके कहते हैं जी मफफरत की रात है इस हदीस के साथ खुद लिखा हुआ है इमाम तिरमजी ने कि यह हदीस मुनकते है यानी रावियों की मुलाकात ही नहीं है आपस में फिर तदलीस का भी इशू है इसमें इससे बढ़कर इमाम तिरमजी ने लिखा कि मैंने अपने उस्ताद इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी यानी सही बुखारी के जो आथर हैं उनसे जब मैंने शबे बरात की इस हदीस के बारे में पूछा शबे बरात तो हम कह रहे हैं वो तो पंद्रहवीं रात शाबान की तो उन्होंने भी फरमाया कि मेरे नजदीक भी यह हदीस जईफ है अच्छा इमाम तिरमजी ने सात बाकायदा कॉमेंट्स किए हुए हैं इसके ऊपर इससे बढ़कर त वालों ने जब यह हदीस तिरमजी से ली तो उन्होंने भी साथ इमाम बुखारी के कॉमेंट्स नकल किए जो इमाम तिरमजी ने उनके हवाले से बयान किए अब मुझे बताया इसके बाद कोई गुंजाइश रहती थी लेकिन देख ले तिरमजी पढ़ रहा हूं तिरमजी अगे भी पढ़ो ना सरकार बस हदीस बयान करके ना जो अगला हिस्सा था ना कि जो इमाम तिरमिजी लिखा है कि ये रवायत दुरुस्त नहीं है इमाम बुखारी भी इसे सही नहीं समझते इसमें रावियों की मुलाकात ही नहीं मुनकते हैं वो उन्होंने आंखों से पढ़ी जुबान से नहीं पढ़ी बस उसके बाद किताब बंद कर दी यानी नहीं वह अल तुम तालमून वो जानते थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है बस बयान कर दिया डटाई के साथ इसी तरीके से एक और हदीस पेश की जाती है सुन माजा से वो भी मिशकात में भी मौजूद है कि नबीस्लाम ने फरमाया कि इस महीने में नामा माल अल्लाह के हजूर पेश होते हैं रात का क्याम करो और दिन का रोजा रखो हालांकि इसमें कजाब रावी है ये घड़ी हुई रवायत है जईफ भी नहीं घड़ी हुई रवायत डटाई के साथ बयान करते हैं और ये रात जो है वो फजर का वक्त शुरू होने तक अल्लाह ताला की तरफ से खास रहमत की रात है फरिश्ते नाजिर होते हैं वही जो लहलातुल्कद्र के बारे में है और वो तो मैंने आपको बताया कि रोजाना के लिए भी फजीलत है बुखारी मुस्लिम में आखिरी तिहाई रात जब रह जाती है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नजूर फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है उसकी मिसाल नहीं बयान हो सकती और कहता है, है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे ता करूं है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दू हती के फजर का वक्त दाखिल हो जाए यह रोजाना के लिए अल्लाह तला की तरफ से एक स्पेशल ऑफर है पूरी इंसानियत के लिए कि वह हक कबूल कर लें एक और रवायत है सुन निबन माजा में जिसे जयफ जमा जयफ का फार्मूला लगा के शेख अलबानी ने हसन दर्जे में डिक्लेयर कर दिया जिसकी वजह से आज कल बाज अल हदीस भी शबरात को इतना मानना शुरू हो गया शेख अलबानी की वजह से कि इस रात अल्लाह तबारकवा तला मखलूक की तरफ मुतवजह होता है और सवाए दो तरह के लोगों के सबकी मफरत फरमा देता है एक जो शिरक करने वाला है और दूसरा जो अपने मुसलमान भाई के बारे में दिल में कीना रखने वाला है लेकिन यह रवायत भी कमजोर है और यह बाकी रवायतों से भी ज्यादा कमजोर रवायत है इसमें दो मजहूल रावी हैं अन नॉन और दो मु मुदलिस रावी हैं जो अन से रवायत कर रहे हैं और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा हुआ मुदलिस की आन वाली रवायत समा की तस्री के बगैर जयीफ तस्वर की जाएगी चार सुखम है इस रवायत के अंदर इसके बावजूद शेखलबानी ने चूंकि इसे हसन लिख दिया और वह हसन लिख रही है जयीफ जमा जयीफ वो आज बरेलवी भी कोट करते हैं देवबंदी भी और बाज अहले हदीस भी कोर्ट करते हैं और जो शेखलानी की इस तहकीम के साथ एग्री नहीं करते अलेीस उनकी भी जरूरत नहीं है कि वह शेख अलबानी का रद्द करें कि यार इन्होंने इसके ऊपर जो हुक्म लगाया वह ठीक नहीं लगाया मैं आपको मजे की बात बताऊं ऑलमोस्ट कोई तेरा चौदाह साल पहले की बात है नए नए जब हम एल ए की तरफ आए तो उस वक्त बड़ा जोश भी था तो मैं आई टेन की मस्जिद में दारुस्लाम नाम की एक मस्जिद है ग्रीन बेल्ट के ऊपर आई टेन टू में वहां जुमा मैंने पढ़ा तो वो शब बरात के हवाले से गरज रहे थे बरेलवियों के ऊपर ना वहां के जो आलिम साहब थे तो मैंने पर्ची पे ना उन्हें कागज पे लिख के भेजा कि आपके जो रूहानी अब्बा जान है ना शेख नासरुद्दीन अलबानी जो मुहदस आजम सऊदियाँ नाइनटी नाइन में डेथ हुई वैसे अलबानिया से थे सऊदिया में सेटल हुए आज भी अक्सर जो अरब वो उनके स्टूडेंट हैं तो उन्होंने तो इस रवायत को हसन डिक्लेयर किया हुआ है तो मेहरबानी करें उनका रद्द भी साथ ही कर दें क्योंकि ये तख्त मश्क बने में आप लोग इनकी वजह से अच्छा उन्होंने पर्ची भी पढ़ी और उनको पता भी था वो बड़े महक्क आलिम थे जो हाँ जुम्मा पढ़ाते हैं गोल करके जी पर्ची बाद में मैंने उनको मिला अब वो डरे हुए थे उनको पता था मैं तो मतलब नया नया उस तरफ गया था तो आप पता नए नए बंदे में जोश ही कितना होता है मैंने कहा ये क्या आपने किया उनका जी क्यों आपने हमारी पब्लिक को भी हमारे खिलाफ करना है पहले हम दूसरों के साथ पंगा लिए हुए हैं इधर हम अपने के खिलाफ भी पंगा ले लेंगे तो इधर तो कहेंगे जी अपने बुजुर्गों को ही रख रहे हैं ये वजह है मेरे भाई लोग हक कबूल नहीं करते कहते नी कदियानी क्यों नहीं मानते भाई जब तुम चिश्ती द और थानवी द का झूठा दिफा करोगे या उनके दिफा करने वाले उलमा का झूठा दिफा करोगे तो भाई तुम कादियानियों को कैसे इस्लाम की दावत दे सकते हो हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों कादियानियों ने इस्लाम को बोल किया विद फैमिली तो मुझे बताते हैं आके लेकिन मैंने आज तक किसी को साथ बिठा के वीडियो नहीं कभी रिकॉर्ड करवाई इनके पास कोई एक बंदा आ जाए ना तो सारे फिरकों में उसे घुमाते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं क्योंकि इनका मकसद चंदा इकट्ठा करना है खत्म नबूत के ऊपर जितना चंदा मिलता है और किसी काम पर नहीं मिलता इसीलिए देखे दुनिया का जो फारिग तरीन इंसान है ना वो भी ये कहता है मैं खत्म नबूत पर काम कर रहा हूं यहां खतीब को देख लेना मैं खत्म नबूत ये इनका तरीका वारदात है अच्छा अब इकरार उसकी गलत हरकतों से उसे रोकने गया है तो वो कह रहा है ये मुझे खत्म नबूत में काम करने से रोक रहे हैं देख लो तो ये खत्म नबूत के पीछे छुपते हैं हालांकि खत्म नबूत के ऊपर ये डाका मार रहे हैं जिस काज को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके पीछे छुप रहे हैं तो ये इनका एस्केप रूट है खैर वो आलिम साहब ने खर अगले जुम्मे में भी उसको बयान नहीं किया तो ये रिवायत भाई इसमें चार सुकुम है दो मझोल रावी हैं, दो मुद्लिस से आन से रवायत कर रहे हैं और शेख जुबैर साहब ने इस हदीस पे हुक्म जब लगाया ना मिशकात में भी यह हदीस आई है तो उन्होंने फुट नोट पर लिखा कि ये रवायत तो अंधेरों में डूबी हुई रवायत है दूर दूर तक इसमें तो रोशनी की किरण भी बाकी नहीं है क्योंकि वो बेसिकली शेख अलबानी पे टॉन्ट कर रहे थे कि तुमने हसन कहा से बना दिया ये तो जयफ से भी कोई आगे दर्जे की चीज है तुमने हसन कैसे बना दिया तो शेख जुबैलीजय राय्ला हमारे उस्ताद उन्होंने बकायदा इसके ऊपर तहकीम की और उन्होंने बकायदा एक पूरा मजमून लिखा था जो उनके मकालात की पहली जिल्द में छपा हुआ है जिसमें जितनी भी रवायतें इस हवाले से हैं ना वो उन्होंने डिस्कस करके एक एक के ऊपर हुक्म लगाया और बताया कि भाई सही बात कितनी थी और ये बाद में ये बात किसने एड कर दी हुई है इसी तरीके से एक और रवायत मिश्त के अंदर आई है शोबुल ईमान इमाम बई हकी की किताब के रेफरेंस से इस रात में अल्लाह तला के फरिश्ते नाजिल होते हैं ये रात फजर का वक्त दाखिल होने तक जो है सलामती वाली रात है इसमें नामा अमाल अल्लाह के हजूर पेश होते हैं दिन का रोज़ा रखो और इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज वो भी बिल्कुल मरदूद रवायत है उसके ऊपर भी शेख साहब ने हुक्म लगाया मशिकाह के अंदर भी लेकिन ईमानदारी उन्होंने की इसके फुट नोट पर लिख दिया कि यह बात तो दुरुस्त है कि शाबान के महीने में नामा अबाल अल्लाह के हजूर पेश होते हैं यह बात दुरुस्त है सुन नसाई की हदीस जो थी वह उन्होंने फुट नोट पर लिख दी क्या हम इस बात को मानते हैं कि शाबान का महीना वह महीना है जिसमें नामा अमाल अल्लाह के हजूर पेश होते हैं वो पूरी हदीस यूं है कि उसामा इबिन जैद रजियाल्ला तौर ने कहते हैं कि इस्लाम से हमने पूछा कि आप शाबान के महीने में इतने रोज़े रखते हैं कि इतने नफली रोज़े आप किसी और महीने में नहीं रखते तो इसकी वजह क्या है तो आप वसल्लम ने फरमाया कि अक्सरियत लोगों की रजब और रमज़ान के दरमियान वाले इस महीने की फजीलत से गाफिल है आपने दो महीनों का जिक्र इसलिए किया कि रजब तो अल्लाह का महीना इस हवाले से कि वो हरमत वाला महीना और रमज़ान तो अफजलियत वाला महीना है कुरान नाजिल हुआ तो इतने दो अफजल महीनों के दरमियान जो ये महीना है ना शाबान का ये भी बहुत फजीलत वाला है फिर इस्लाम ने फरमाया कि इस महीने में अल्लाह के हजूर नामा अमाल पेश होते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा नाम अमाल अल्लाह के हजूर पेश हो तो मैं रोजे की हालत से हूं इसलिए मैं रोजे रखता हूं कसरत से अच्छा ये बड़ा अच्छा मौका था कि इस्लाम फिर पूरे शाबान में रोजे ना रखते एक पंद्रहवीं शाबान को रख के कहते हैं कि यही वो रात है यह भी इस बात का सबूत है कि वो इस तरह की रात वाला मामला कोई नहीं अलबत् एक रवायत शोबुल ईमान इमाम बई हकी की कि किताब में ही है सही सनत के साथ और वो एक ताबी का कौल है शाम के एक ताबी थे मखरूल रही मशहूर ताबी है लेकिन ये इस हवाले से भी मशहूर है कि इस किस्म की सारी अजीब व गरीब रवायतें भी इन्होंने बयान की हुई हैं मुरसल रवायत है किसी सहाबी का जिक्र नहीं किया उन्होंने और सही मुस्लिम के मुकदमे में मौजूद है कि ताबी की मुरसल कोई शय नहीं है जब तक वो सहाबी को मैंशन ना करे क्योंकि कंफर्म नहीं ना कि उसने रवायत कहां से सुनी है अगर सहाबी से सुनी होती तो बयान कर देते बल वो उनका अपना कॉल है उन्हीं अल्फाज के साथ जो सुन्न सुनबिन माजा में वो ज़ईफ़ रवायत थी इस रात अल्लाह सब की मफरत कर देता है सवाए शिर करने वाले के और कीना ना परवर शख्स के तो ये रवायत सनदन तो दुरुस्त है लेकिन सिर्फ ताबी का कौल है इसलिए यह भी कोई इस हवाले से हुजत नहीं है लेकिन वो बात अपनी जगह दुरुस्त है जो मैंने बताई कि सुन नसाई में वाज हदीस है कि नबीसलाम इस महीने में कसरत से रोजे रखते थे क्योंकि आबले ने फरमाया कि नामावाल अल्लाह के, नाम अल्ला के हजूर पेश होते हैं इस महीने के अंदर बल्कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजे जिस महीने में रखते थे वो शाबान का महीना होता था तो शाबान के महीने के रोजों की फजीलत अपनी जगह हती के बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है अम्मायशा सलामुल्ला कहती हैं कि मेरे जो रमजान में मखसूस अयाम के रोजे छूट जाते थे तो मैं उनकी कजा अगले शाबान में देती थी क्योंकि शाबान में नबी इस्लाम जो है वो कसरत से रोजे रखते थे बेसिकली उन्होंने कोल्ड वर्ल्ड में बात की वो जो उदीस है ना बुहारी मुस्लिम में कि कोई भी बीवी अपने खामंत की मर्जी के बगैर रोजा नहीं रख सकती यानी इसमें एंप्लाइड है कि खामंत अपनी बीवी के साथ जो इस ताल्लुक है वो दिन के वक्त भी कायम कर सकता है तो ऐशा जो कह रही है ना कि मैं रोजे शाबान में रखती थी रमजान के कजा किए हुए क्योंकि नबीसलाम ने रोजा रखा होता था यानी अब इम्प्लाइड था कि मुझे अब इजाजत की जरूरत नहीं है नबीसलाम खुद रोजे से तो मैं अपने रोजों की कजा दे लेती थी हती के सही मुस्लिम में यहां तक अल्फाज है कि नबी सल्ला शाबान का पूरा महीना रोजा रखा करते थे ये भी हदीस मौजूद है यानी कोई इक्का दुक्का छूट गया अदरवाइज आपकी रूटीन थी कि पूरा शाबान आप रोजा रखा करते थे रमजान भी और शाबान भी फिर सही मुस्लिम में ही हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को और हर जमेरात को भी रोजा रखा करते थे और तिरबुजी में तो हैं ये इसलिए मैं रखता हूं कि नामा हर पीर और जुमरात को अल्लाह के हजूर पेश होते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोज़े की हालत से हूं एक और रीज भी है मुस्लिम में कि नबी इस्लाम पीर का रोज़ा इसलिए रखते थे फी ही वुलित हुआ फी ही उनजी राड़ैया कि इस दिन में पैदा हुआ इस दिन मुझ पर पहली दफ़ा वही नाजिल हुई वह भी है एक पीर और जुमरात वाली भी है कि नामा माल अल्लाह तला के हजूर पेश हो तो अब देख ले नामा माल शाबान के महीने में भी पेश होते हैं नामा माल पीर और जुमरात को भी पेश होते हैं यानी शाबान के महीने में जो साल पूरे का रिकॉर्ड अल्लाह के पास जाता है पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड जो है वो पीर और जमरात को और रोजाना भी होता है जो बुखारी मुस्लिम हदीस है कि फरिश्ते फजर और असर के वक्त ड्यूटियां अपनी बदलते हैं फजर वाले फरिश्ते जब असर के वक्त वापस जाते हैं अल्लाह ताला सब कुछ जानता है उसके बावजूद पूछता है कि मेरे बंदों को किस हाल में पाया तो वो कहते हैं कि गए थे तो फजर पड़ रहे थे आए थे तो असर पड़ रहे थे इस तरह असर वाले जब फजर के वक्त वापस जाते हैं वो कहते हैं जब हम गए थे असर पड़ रहे थे वो जब वापस आए तो फजर पड़ रहे थे फरिश्ते भी इंसानों की खिदमत में लगाए हुए अल्लाह तला ने अल्लाह तला ने इंसानों को सबसे ज्यादा सीरियस लिया हुआ है इस कायनात में और इंसानों ने सबसे ज्यादा नॉन सीरियस अपने रब को लिया हुआ है ये कितनी खतरनाक बात है अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा सीरियस मखलूक इंसान है फरिश्ते उसकी खिदमत में लगे हुए तो नामा माल पीर और जुमेरात को भी हर हफ्ते फिर साल के बाद भी शबान के महीने में और रोजाना भी फजर और असर के वक्त यानी ये मैंने आपको वह सारी रूटीन बता दी जो अल्लाह तला के हजूर पेशी होती है तो नबीसलाम इसलिए रोजों का एहतमाम शबान में ज्यादा किया करते थे यानी आपके ग्यारह रोजे तो कन्फर्म होते थे हर महीने के आठ तो आप कर लें पीर और जुमेरात चार दफा सोमवार का दिन आता है चार दफा जुमेरात का दिन आठ रोजे ये और तीन अयाम बीज के तेरह चौदह और पंद्रह जब खूब रोशन होता है ना चांद अयाम बीज उसे कहते हैं तीन यानी चांद जब गोल होने के रोजे हैं। ये नबी इस्लाम की रूटीन में थे इवन सुरसाई में यहां तक आया कि नबी इस्लाम सफर में भी ये रोजे रखा करते थे अयाम बीस के वैसे आपने इजाजत दी हुई है सही मुस्लिम अदीस है कि जो शख्स महीने में तीन रोजे रख ले वो इसी तरीके से है गोया उसने हमेशा के रोजे रखे और उसमें कोई कैद नहीं कि आपने कब रखने तीन रोजे महीने में और उसका भी आसान वर्जन मैंने आपको बता दिया है कि शवाल के छह रोजे रख लें वो भी सही मुस्लिम में है रमजान के बाद तो वो भी पूरी जिंदगी के रोजे हैं हर महीने भी तीन रखने की जरूरत नहीं लेकिन अगर रखना चाहता है बहुत अच्छी बात है बुखारी मुस्लिम हदीस है अबू हुरै रजी अल्लाह तहते हैं कि नबीलाम ने मुझे तीन नसीहतें की थी नंबर वन महीने में तीन रोजे जरूर रखना कोई से तीन दिन बेहतर है उसमें अयाम बीस तेरह चौदह पंद्रह नंबर टू इशराक़ की नमाज इशराक़ कह लें चाश्त कह लें दोहा कह लें यह सारे एक ही नमाज अवाबीन भी इसी का आया है सही मुस्लिम में अवाबीन का लफ्ज़ भी आया है इस नमाज के लिए जो सूरज बुलंद होने के बाद पढ़ी जाती है और तीसरा फरमाया रात को सोने से पहले वितर पढ़ लेना वैसे अफजल तो है आखिरी पहर में पढ़ना लेकिन जिसके लिए आसानी है जो ये समझता है कि मेरे लिए आखिरी वक्त में उठना मुश्किल है तो वह रात को वितर पढ़ के सोए तो हजरत अबू रहा कहते हैं नबी इस्लाम ने मुझे तीन कामों की वसीयत की थी उनमें भी तीन रोजों का जिक्र मौजूद है यह हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है अच्छा अब पंद्रह शबान का जो रोजा है ना इसके बारे में भी एक हदीस है वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है नबीस्म ने एक सहाबी से पूछा क्या तुमने सरर शाबान का रोजा रख लिया उनका नहीं अरसुल्ला फरमाया फिर अब शवाल के महीने में दो रोजे रखना तुम तो, अगर तुमने सर्र शाबान का रोजा नहीं रखा अब यह सरर शाबान का रोजा कौन सा है जहरा नबी इस्लाम की दीज बुखारी मुस्लिम में अब उलमा से पूछेंगे कौन सा रोजा जिसका जिक्र हो रहा है सरर शाबान सरर अरबी जुबान में किनारे को भी कहते हैं और सेंटर को भी कहते हैं हॉलो चीज को इससे मुराद किनारे के रोजे भी हो सकते हैं लेकिन वो तो बुखारी मुसलमे हदीस है कि नबीलाम ने फरमाया कोई भी शख्स जब रमजान शुरू होने में दो दिन रह जाए तो वो रोजा ना रखे यानी वो रमजान को प्रोटोकॉल दे देखिए रमजान से फिर रोजे स्टार्ट करें सवाल उस शख्स के कि जो पूरा महीना रोजे रख रहा हो उसके लिए आप इस्लाम ने इजाजत दी इसी तरीके से जाम तिरमजी में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब नाबान गुजर जाए तो कोई शख्स रोजा ना रखे तो इससे यह भी पता चल गया कि वो आखिरी सिरा भी नहीं हो सकता आखिरी पंद्रह दिन भी नहीं हो सकते तो ये सरर शाबान क्या है तो सही मुस्लिम में एक और हदीस है इतनी हदीस तो बुखारी मुस्लिम दोनों में थी कि सरर शाबान का रोजा रखो मुस्लिम में मां मुस्लिम में एक और हदीस लेके आए उसमें पता क्या अल्फाज है कि नबील इस्लाम ने फरमाया इस महीने के सुर्रा का रोजा रखा है तुमने नाफ का सुर्रा कहते हैं नाफ को अब नाफ आलमोस्ट जिसम के सेंटर में होती है तो जो मैं कह रहा था सरन का तर्जुमा किनारा भी बन सकता है और सेंटर भी मुस्लिम शरीफ में वाज अल्फाज है सुर्रा नाफ नेवल इंग्लिश में हम कहते हैं इसका रोजा तो ये जो नाफ का रोजा है ये पंद्रह शाहबान का रोजा ही बनता है और अमूमन तो मैंने आपको कई अदीस बता दी अयाम बीज के रोजों से मुतल के नबील इस्लाम तो तेरह चौदह, पंद्रह खबो शबान की हो खबो शबाल की हो या और किसी महीने की ये तीन रोजे तो आपने रखने थे और वो आपकी रूटीन थी खास सफर हो हजर हो पंद्रह शबान का रोजा वैसे भी अमूमी सुन्नत में भी आता है लेकिन स्पेसिफिकली बुखारी मुस्लिम की जो अहदीस है इस पर गवाह है कि सरर शाबान या सुर्रा का रोजा पंद्रह शहबान का नबील इस्लाम ने तलकिन फरमाया कि यह रखना है ये पंद्रह शबान का रोजा बनता है इस रोजे का शबे बारात के रोजे से कोई ताल्लुक नहीं है इन दो चीजों को मिक्स नहीं आपने करना जिस तरह वो आयत इधर से उठाते हैं दिस उधर से उठाते हैं फिर उसको जोड़ के रिजल्ट निकालते हैं और दोनों तरफ फिर एक्सट्रीम रवैये जब हम एल ए को कायल करते हैं हालांकि खुद उन्होंने तर्जमे किए हुए हैं वह कहते हैं नहीं नहीं इससे तो फिर ब्रेलवी पंद्रह शबान का रोजा निकाल लेंगे भाई उनको छोड़ें आप अपनी बात करें वो तो कल को आप फिर मुस्लिम की हदीस का इनकार कर देंगे कि नबी इस्लाम ने अपनी पैदाइश की खुशी में रोजा रखा कि जी वो बिरलवी कहेंगे जी मिलाद बनाना साबित हो गया तो साबित है ना यार इसमें कौन सा मसला है जो कुरानो सुनत में आया उसको मानो और जितना आया मानो बिरलवी भी, भी ये ना करें कि वह सर्र शबान या सुर्रा का रोजा लेके तो वो कहें जी शबराद का रोजा साबित हो गया भाई इस तरह करने से रोजे नहीं साबित होते जितनी बात है हम उसको मानते हैं एक्सेप्ट करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ उसे पब्लिक के सामने रखते हैं लिहाजा अगली इतवार और सोमवार की दरमियानी रात यानी ये बनेगी 18 और 25, 25 फरवरी 2024 को जब 25 फरवरी गुजर जाएगा तो वो रात आ जाएगी यानी 26 का रोजा बनेगा 26 फरवरी का 2024 के अंदर पंद्रह उल मज़्म चौदह सौ पैंतालीस हिजरी तो ये रोज़ा खुद भी रखें घर वालों को भी रखवाएं इस एतबार से कि नबी इलास्म ने इसकी तरगीब दिलाई है और देखें किस हद तक तरगीब है कि उसमें आगे अल्फाज हैं कि अगर तुमने नहीं रखा तो शवाल में दो रोजे इसके बदले में रखना तो वो बाज जो मानने के लिए तैयार नहीं वो कहते हैं नहीं इससे मुराद वह तीन रोजे थे ना वो नहीं रखे थे तो आपने फरमाया कि चलो शवाल में रख लेना भाई अगर तीन के बदले होता तो फिर हजूर कहते तीन रोजे रखो दो का जिक्र क्यों है एक जो है वो उसके बदले में और दूसरा पेनल्टी के तौर पर लेकिन ये सारी नफली इबादतें इनके ऊपर कोई वाजबीयत वाला मामला नहीं ये सिर्फ तरगीब के लिए अच्छा ये जो मैंने रिजल्ट निकाला है ना ये ना समझिएगा कि ये मैंने कोई डिस्कवरी कर ली है कोई इस तरह की मेरे दुनिया में छोड़े जाने से पहले भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पंद्रह शवान के रोजे को बुखारी मुस्लिम की इन अहदीस के तहत सुन्नत समझते हैं वो वह एहलेस फिरके से ही एक निकला हुआ ग्रोह है जमातुलमुसलम का खारजी है मुसलमानों की तकफीर करते हैं लेकिन वो वह एहलेस प्लस है यानी एहलेस से भी अगला वर्जन है सख्ती के अतबार से एलेस प्लस है बस कुछ चीजें उनकी बहुत अच्छी हैं मसलन वो नमाज जो है वो बड़े सुकून से रफोल्दैन से पढ़ते हैं इसी तरीके से सख्ते करते हैं वो भी वही मौकेफ रखते हैं कि जब कुरान पढ़ा जा रहा है तो आपने पीछे फातिया नहीं पढ़नी बल्कि सख्ते करने हैं और उसमें फातिहा पढ़नी है कुरान आपने सुनना है कुछ चीजें बहुत उनकी इस हवाले से बेहतर है मुठ्ठी के बाद दाढ़ी काटने के भी कायल हैं और दाढ़ी रंगने के ऊपर भी बहुत जोर है इस मामले में उनका भी यही मौकेफ है सरर शाबान का जो रोजा बुखारी मुस्लिम में आया सुर का इससे मुराद पंद्रह शाबान का रोजा है और वो इस चीज का एहतमाम करते हैं बेहतर तो यह कि शाबान में जितने रोजे आप रख सकते हैं रखें तेरह चौदह पंद्रह तीन रोजे रख लें तीन नहीं रख सकते एट पंद्रह शाबान का रोजा जरूर रखें ताकि रमजान के रोजों के आने से पहले एक थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस वाला मामला भी हो जाए और एक ये एक फजीलत भी इस हवाले से आपको हासिल हो जाए कि नबी इस्लाम ने इस रोजे की तरगीब दिलाई हुई है मैंने कोशिश की कि मुख्तसर से वक्त के अंदर आपके सामने एक टोटल पिक्चर इस हवाले से रख दी जाए ताकि ये जो टॉपिक है ये भी अपने मनतकी अंजाम तक पहुंच जाए तो बात मैंने स्टार्ट की थी शबरात से और एंड इस बात पर की कि जो चीजें साबित हैं जिस तरह पंद्रह शबान का रोजा और वो भी शब बरात की वजह से नहीं वैसे सुनत है इसी तरीके से शाबान के महीने में नामा का पेश होना और वो भी एक खास रात में नहीं पूरे महीने में जो चीज़ साबित थी मैंने बताई हती कि मैंने मखूल ताबी का भी आपको कॉल बता दिया कि कोई कह दी ये चीज़ छोड़ दी थी ये तो मौजूद था इसको तो आप सनदन सही मानते थे मैंने उसको भी डिस्कस कर लिया कोई हमें बाद में गिला इस हवाले से ना करे सल मुहमद वली मोहम्मद मोहम्मद वाला मुहम्मद وَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ آمِينَ